हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 15वें इंस्टॉलमेंट कब जारी किया जाएगा, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों यहां पे यूट्यूब पर आपको बहुत सारे यूट्यूबर यहां पे फेक वीडियो बना के आप सभी को दोस्तों गुमराह कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से आप सभी को बचने के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताऊँगा कि 15वां इंस्टॉलमेंट कब यहाँ पे जारी किया जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर है दोस्तों यहाँ पे बता देते हैं, दोस्तों यहाँ पे जो 15वें इंस्टॉलमेंट है वो दोस्तों यहाँ पे दीपावली से पहले मिल जाएगा। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो दोस्तों यहाँ पे 26 अक्टूबर को यहाँ पे डेट बताए थे, जो कि दोस्तों यहाँ पे वीडियो बनाकर यहाँ पे अपलोड किए थे यूट्यूब पर। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको क्लियर कर देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो से आप सभी को बच के रहना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फेक वीडियो बनाते रहते हैं और आप सभी को टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्टेटस को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्टेटस में दिखाऊंगा दोस्तों आपको यहाँ पे जो 15वां इंस्टॉलमेंट है वो कब जारी किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर लेता हूं। तो दोस्तों इसी तरह से दोस्तों अगर आप भी अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर लेंगे और यहां पे कैप्चर कोड डाल के अपना स्टेटस को यहां पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर को टाइप कर लेता हूं, उसके बाद आगे के प्रोसेस में बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप सभी को कंफर्म हो जाएगा दोस्तों जो अगली इंस्टॉलमेंट है वो कब तक आप सभी को मिलेगा, और दोस्तों किसी यहां पे फेक वीडियो से आप बच सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों यहां पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर लिया हूं और कैप्चर कोड टाइप करने के बाद यहां पे गेट डाटा पे क्लिक करता हूं, और क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं नया इंटरफेस खुल के आ चुका है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे स्टेटस ओपन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यही से आपको कंफर्म हो जाएगा कि दोस्तों कब तक आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगली इंस्टॉलमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन किसान का दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं स्टेटस को ओपन किया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनका इंस्टॉलमेंट मिला है 12वें इंस्टॉलमेंट, और इनका दोस्तों इंस्टॉलमेंट कब मिला है तो यहाँ पे देख सकते हैं 25/7/2023। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो पिछली किस्त यहाँ पे जारी किया गया था वो किया गया था 27/7/2023 को। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता चल जाता है कि दोस्तों जो 14वीं किस्त जारी किया गया था उससे पहले 2 दिन इनका इंस्टॉलमेंट रिसीव होता है हर इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे 12वें इंस्टॉलमेंट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ के 12वें इंस्टॉलमेंट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे इनका 11वें इंस्टॉलमेंट मिला है 24/2023 को। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी इंस्टॉलमेंट इनका रिसीव हो रहा है दोस्तों पीएम किसान का, जो अगली किस्त जारी होने से पहले 2 दिन पहले इनका जो इंस्टॉलमेंट है वो रिसीव हो रहा है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों सभी का इंस्टॉलमेंट एक ही बार जो कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जारी कर दिया जाता है वो यहाँ पे रिसीव नहीं होता है, यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे इंस्टॉलमेंट यहाँ पे रिसीव होता है। क्योंकि दोस्तों किसी का यहाँ पे 12वें इंस्टॉलमेंट मिला है, किसी का यहाँ पे 13वें, किसी का 14वें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका 24/2023 को यहाँ पे जारी हुआ था दोस्तों यहाँ पे इनका 11वें इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पे इनका हुआ है रिसीव दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 25/7/2023 को। तो दोस्तों यहाँ पे अब इनका चेक करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि दोस्तों इनका जब भी 15वें इंस्टॉलमेंट जारी किया जाएगा तब दोस्तों 2 दिन पहले 15वें इंस्टॉलमेंट जारी करने से पहले 2 दिन पहले इनका जो इंस्टॉलमेंट है रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों इनका जो अगले इंस्टॉलमेंट है वो कब प्राप्त हो रहा है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको चेक करना होगा 13वें इंस्टॉलमेंट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 15वें इंस्टॉलमेंट जारी होने से पहले इनको 13वें इंस्टॉलमेंट मिलेगा, उसके बाद ही दोस्तों आप सभी को यहाँ पे 15वीं किस्त जारी किया जाएगा और यहाँ पे आप सभी को 15वें इंस्टॉलमेंट मिलेगा। अगर आपका दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अगर आपका 14वें इंस्टॉलमेंट मिल चुका है, तो अगर दोस्तों यहाँ पे 14वें इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे 14वीं किस्त मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 15वें इंस्टॉलमेंट जारी होने से पहले आपको यहाँ पे 14वीं किस्त देखने के लिए मिलेगा जिनका 14वीं किस्त नहीं मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टेटस में इनका आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एफटीओ प्रोसेस नो शो कर रहा है, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में देख सकते हैं वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से कंफर्म हो जाता है दोस्तों अभी यहाँ पे इनका 15 दिन टाइम है। तो आप सभी को बता दो दोस्तों अभी यहाँ पे अक्टूबर का लास्ट मंथ है चल रहा है अभी, तो दोस्तों यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल का यहाँ पे इनका स्टेटस शो कर रहा है। तो दोस्तों जब तक इनका पेमेंट स्टेटस में पेमेंट प्रोसेस नहीं लिखा हुआ आ जाता है तब तक इनका दोस्तों एफटीओ प्रोसेस यस नहीं होगा और नहीं इनका अगली इंस्टॉलमेंट 13वें इंस्टॉलमेंट इनका रिसीव होगा। जब भी यहाँ पे दोस्तों इनका पेमेंट यहाँ पे रिसीव हो जाएगा और यहाँ पे डेट शो कर देगा, उसके बाद दोस्तों 2 से 3 दिन के अंदर आपका 15वें इंस्टॉलमेंट जारी कर दिया जाएगा और आप सभी को दोस्तों अकाउंट में 15वें इंस्टॉलमेंट प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बता दो यहाँ पे जो आज के डेट में 26 अक्टूबर को जारी किया जा रहा है दोस्तों वो मानव सत्करी योजना के तहत यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार दोस्तों महाराष्ट्र
के किसानों को यहाँ पे पेमेंट देती है अलग से 2000 रुपये किस्तें। तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में यहाँ पे दोस्तों सरकारी योजना के तहत यहाँ पे 2000 रुपया रिलीज किया जा रहा है। तो दोस्तों उनका यहाँ पे दोस्तों जो आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप सभी को सालाना 6000 रुपया प्राप्त होता है। तो दोस्तों एक दोस्तों नई स्कीम यहाँ पे लॉन्च की है महाराष्ट्र सरकार, जिसका नाम है दोस्तों मानव सत्करी योजना, जिसके तहत दोस्तों यहाँ पे किसानों को 2000 रुपया दिया जाता है। तो दोस्तों आज के दिन ही 26 अक्टूबर को यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है। तो दोस्तों ये दोस्तों आप सभी के लिए बता दूं, ये महाराष्ट्र सरकार, ये महाराष्ट्र राज्य वालों के लिए है, उनको दोस्तों यहाँ पे सालाना 12000 रुपया दिया जा रहा है। ये योजना दोस्तों 2023 में लागू की गई है। दोस्तों 15वें इंस्टॉलमेंट को लेकर अभी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पे जारी किया जाता है दोस्तों मैं सबसे पहले वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पे अपलोड कर दूंगा और आप सभी को दोस्तों यहाँ पे पता चल जाएगा दोस्तों यहाँ पे कब तक जारी किया जाएगा और कब तक यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।